नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। भारत समेत पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आने के बाद से एकदम ठप हो गया था। एक तरफ जहां हवाई जहाज, रेलवे, बस के साथ ही आम आदमी को भी इधर से उधर जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसके बाद से देश में पूरी तरह से लॉकडाउन का दौर शुरू हो गया और यह दौर कमोबेश 4 महीने तक पूरे देश में रहा। ऐसे में अब धीरे धीरे रेलवे पटरी पर आना शुरू कर दिया है। हवाई सेवा को अब बहाल होने की भी बात कही जा रही है। कई ऐसे हवाई सुविधाएं हैं जिसे बहाल कर दी जा रही है। उसके साथ ही आम आदमी भी अब आसानी से इधर से उधर आ जा रहे हैं। त्योहारों के सीजन में बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में रेलवे ने ट्रेनों की संख्या में इजाफा करने की बात कही है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बड़ी राहत दी है। रेलवे ने टिकट बुकिंग काउंटर पर जाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालन कर रहे हुए UTS ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने की भी सुविधा प्रदान की है। बता दें कि पिछले दिनों रेलवे ने एक अहम फैसला लेते हुए कई जगहों पर जनरल टिकट पर भी रेल यात्रा की शुरुआत कर दी है। ऐसे में यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान उन्हीं यात्रियों की यात्रा करने की अनुमति थी जिनके पास रिजर्वेशन का टिकट था। रेलवे ने यह बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब यात्री अपने मोबाइल के द्वारा ही जनरल टिकट बुक कराकर यात्रा कर सकते हैं। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे अनारक्षित ट्रेन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से पेश कर रहा है। अनारक्षित टिकटों की बुकिंग से यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और टिकट खरीदने में भी के समय बुकिंग काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। UTS मोबाइल ऐप सुविधा के अलावा इस सुविधा को क्षेत्रीय रेलवे के गैर उपनगरीय खंडों पर भी शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर ही बहुत ही आसानी से काम कर सकता है। इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपको GPS को ऑन करना होगा और आप स्टेशन के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में टिकट को बुक कर सकते हैं। बता दें कि इसमें भी यात्रियों को PNR नंबर दिया जाएगा जिसमें एक PNR पर अधिकतम 4 यात्री यात्रा कर सकते हैं। टिकट का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम आदि से कर सकते हैं। अब हम आगे बताते हैं कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जब हम UTS ऐप के माध्यम से जो है हम अपने टिकट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से UTS ऐप को जो है डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ID कार्ड और आपका अपना मोबाइल नंबर उसमें फिल करना होगा। इसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप करवाएंगे उस नंबर पर एक OTP आएगा। उसके बाद आप उसको साइन इन करेंगे। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ID पासवर्ड आएगा जिसके बाद से आप UTS ऐप को आसानी से लॉगिन कर सकते हैं और अपना टिकट काट सकते हैं। तो अब ये रेलवे की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें अब से पहले हम अनारक्षित टिकटों के माध्यम से रेलवे की यात्रा करते रहे थे, लेकिन अब जो है रेलवे ने जनरल टिकट के माध्यम से भी यात्रा करने की सुविधा दी है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।